सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, सम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स को फैक्टर, पॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और पार्ट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात हो पाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने लिख दिया है, 3 लिखा है, 2 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, चलो ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया है क्या लिखा है, और यहाँ 2 3 लिखा है, यहाँ भी मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, या मान लो 2 लिखा है। चलो अब इस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या है ये 3 3 और ये क्या है 2 2। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना हो गया 6, माइनस 6 कितना आ जाएगा 0। तो ये ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जो है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, 0। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, हमेशा ध्यान रखना है। किस तरह की मैट्रिक्स में ये होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा हमेशा, ऐसी मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें इक्वल टू जीरो नहीं होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात होगी ये, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, हाँ एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं, मतलब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई जनरल मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, कोई भी मैट्रिक्स ले लो। कोई समझने के लिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसके जो एलिमेंट हैं 1 है 2 है, ये है 3 है, ये क्या है 4 है, और मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस 1 3 2 4, सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, करेंगे क्या आएगा, मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आए डजेंट मैटर, बस इक्वल टू जीरो ना आए। 3 क्रॉस 3 भी निकालना होगा तो वो भी बता, अभी को फैक्टर माइनर मैट्रिक्स बताएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी चलो देख लो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए 1 2 3 है, -1 है, 6 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है, मान। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 है 2 है 3 है, -1 6 और क्या हो गया 0 2 1 और क्या हो गया -1। अभी सारस मेथड भी इसी में सीखेंगे, लेकिन अभी समझो कैसे निकालोगे। अब क्या करना, पहले 1 लिख लेना, पहले रो के थ्रू अगर एक्सपेंड करना चाहती हो तो 1, फिर दूसरे एलिमेंट के माइनस लिखना, फिर एक बनाना इस तरह से मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स या सब डिटरमिनेंट, ये हो गया 3, और इस तरह पहले रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो जो एलिमेंट होगा लिख देंगे, लेकिन पहला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, तीसरा क्या रहेगा प्लस में, प्लस माइनस प्लस। अभी को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होते हैं बताएंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि प्लस माइनस क्यों लिख रहा है, प्लस माइनस प्लस। अब जैसे यहाँ -2 होता तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, मतलब जो एलिमेंट रहेगा वो लिखेंगे विथ साइन, लेकिन जो ऑर्डर जो लिखने का तरीका है उसके हिसाब से यहाँ माइनस आता है, ये मतलब जो प्रोसीजर है हमारा, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से, यहाँ जो रूल कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से माइनस आता है। अब हम 1 की बात करेंगे ना, तो 1 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, इस रो में आ रहा है इस कॉलम में आ रहा है छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 6 1 0 और माइनस। 2 की बात करेंगे तो 2 जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या -1 2 और 0 और। 3 की बात करेंगे तो जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है छोड़ देंगे, बचा क्या -1 2 6 और 1। इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, जरा देखना, सॉल्व करेंगे भैया तो ये आएगा हमारा 1, मल्टीप्लाई करोगे -6 या आएगा 0, पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करके वैसे, ठीक है, माइनस के 2, -1 को -1 से करेंगे +1 आएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, प्लस के 3 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, ठीक है, बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। अब ये समझना, ये हो गया 1, यहाँ -6 आएगा तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आएगा -13, -13 तो ठीक क्या होगा -39, ये -47 आएगा कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट कितना आ गया -47। ठीक है भाई,
भाई माइनस की ये 13 हो गया, 13 थ्रीजा कितना होगा, 13 थ्रीजा माइनस 39, ये प्लस, ठीक है ना, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का ऐसे निकालें। अब ये क्या भी, ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट है, जो मैग्नीट्यूड है, जीरो नहीं आ रहा है, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को ही कहा जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसको, इन्वर्टिबल, क्या कहा जाता है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, करें आंसर। अब माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होते हैं ये समझिए, माइनर मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है ये समझिए। जब किसी भी मैट्रिक्स के माइनर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेसिकली, जैसे मैट्रिक्स ए लिखा है, सी मैट्रिक्स ए के जो भी एलिमेंट्स हैं हम लिख देते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। अगर हम इसको लिखें इसकी पोजीशन के हिसाब से तो क्या होगा, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और क्या है ये, ए टू टू, ऐसे लिखोगे। एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे, इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर कैसे, तो जब माइनर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, माइनर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, माइनर मैट्रिक्स के लिए एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब जैसे मान लो पहले एलिमेंट का मैं लिख रहा हूँ माइनर मैट्रिक्स, यहाँ लिखूंगा एम वन वन, क्या लिखूंगा, एम वन वन, एम वन वन का मतलब ये जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है उसे ही लिखना। तो ये इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, छोड़ेंगे, क्या बचेगा यहाँ, ए टू टू। एम वन टू का मतलब माइनर ऑफ मैट्रिक्स वॉट, ए वन टू, तो जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ेंगे, लिखेंगे क्या यहाँ आएगा, ए टू वन, लिखेंगे ए एम टू वन, तो इसका क्या निकलेगा बताओ, एम टू वन का ए वन, एम एम टू टू का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा जरा बताना, ए वन वन। अब वो मैट्रिक्स लिखेंगे तो माइनर मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे तो, अगर मैट्रिक्स इसको लें जो आ रहा है एलिमेंट्स लिख देना, माइनर मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन एलिमेंट्स का माइनस निकालते हैं हम, माइनर मैट्रिक्स तुम्हें लिखना है, इसका माइनर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो माइनर से इसके जो मैट्रिक्स बनेंगे क्या होंगे, बस एलिमेंट लिख देना इसी ऑर्डर में, ए टू टू और क्या हो गया, ए टू वन और ए वन टू और क्या हो गया, ए वन वन। अब टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स इसी है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ले लिए, एक ही नंबर समझते हैं, समझना ज़्यादा अच्छा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है वन जीरो टू थ्री फाइव, अब मान लीजिए सिक्स है, माइनस वन सिक्स और क्या है, माइनस सेवन है, ऐसे लिखे हैं एलिमेंट्स। अब माइनस में लिखना चाह रहा हूँ एम वन वन, माइनस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, चलो एम वन वन की मैं बात कर रहा हूँ, एम वन वन की बात करेंगे तो क्या हो, ये है M11, जिस रो में है, जिस कॉलम है उसको छोड़ेंगे, बचा क्या हमारे पास, वही 5, 6, 6 और माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जरा बताना, माइनस 35, बीच में साइन माइनस क्या था, मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 30, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का सेंटी। अब मैं निकालूंगा M12 के लिए, मतलब जीरो के लिए निकाल रहा हूँ, के लिए निकालूंगा, जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, बचा क्या हमारे पास, 3 -1 और 6 और माइनस के, सॉल्व करेंगे इसे, देखो क्या होगा जरा बताना, माइनस के 21, बीच में साइन माइनस का होता है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 14, माइनस के 14 आएगा कि माइनस 15 आएगा, माइनस के 15, माइनस 15 आएगा ना, ये माइनस के 15, क्लियर है हमारी बात। अब इसी तरह से M13 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, M13, M13 के लिए करेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला एलिमेंट है 3 और माइनस 1 और 5 और, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, 6 थ्री 18, बीच में साइन माइनस का होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 23, समझ में आया। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, M2, M21 का निकाल रहे हैं, मतलब इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये जिस रो में है, जिस कॉलम है छोड़ेंगे, बचा क्या हमारे पास, 0, 6 और 2 -7, तो 0, 6 और 2 -7 को सॉल्व करेंगे, 0 को माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 12 हो जाएगा, माइनस के 12 आ जाएगा आंसर, माइनस क्या आ जाएगा, ये
एम टू टू की अगर हम बात करेंगे, कि हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस रो में, इस कॉलम में छोड़ेंगे वन माइनस वन, टू और माइनस सेवन, ये लिखेंगे ना, वन माइनस वन और टू माइनस के सेवन, मल्टीप्लाई करो माइनस सेवन को वन से, मल्टीप्लाई माइनस प्लस का टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस के फाइव। एम टू थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो ज़रा बताना, एम टू थ्री का मतलब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ेंगे, तो वन माइनस वन और ज़ीरो और सिक्स, तो वन माइनस वन ज़ीरो और क्या आ जाएगा सिक्स, तो सिक्स वन जै सिक्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो आंसर हमारा क्या जाएगा ये सिक्स। फिर इसी तरह से निकालेंगे किसका, इसे निकालो आप, किसका है ये एम थ्री वन का निकालेंगे, एन थ्री वन का निकालोगे तो क्या होगा, जिस रो में है जिस कॉलम में इसको छोड़ो, जीरो फाइव टू सिक्स, जीरो फाइव टू और क्या हो गया सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सिक्स को जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, माइनस फाइव टू जाए क्या हो गया टेन, तो माइनस के टेन ही आ जाएगा। अब इसी तरह से निकालोगे किसका आप बताओ, एम थ्री टू का और एम थ्री थ्री का, एम थ्री टू का निकालोगे क्या आएगा जरा बताओ, एम थ्री टू का मतलब सिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बचेगा, वन है थ्री है और टू और सिक्स है, मल्टीप्लाई करो इसको, सिक्स वन जाए सिक्स माइनस सिक्स क्या जाएगा जीरो। एम थ्री थ्री मतलब लास्ट एलिमेंट की बात हो रही है, अब लास्ट एलिमेंट माइनस सेवन की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे इसको क्या आएगा, हाँ वन थ्री जीरो और फाइव, फाइव वन जा फाइव, थ्री जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो याद आएगा क्या हमारा फाइव, तो माइनस सारे एलिमेंट, कोई प्रॉब्लम हो गया माइनस। तो फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, इससे जो को फैक्टर मैट्रिक्स बनता है वो क्या, वो समझना पड़ेगा, कुछ नहीं बस ये ध्यान रखना है को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखिए को फैक्टर के लिए क्या होता है, जैसे पहले एलिमेंट के लिए मैं निकालूंगा ना, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हमने लिख दिया वन टू थ्री जीरो वन और माइनस वन टू माइनस थ्री और मान लीजिए यहाँ फोर लिखा है, पहले एलिमेंट के लिए लिखूंगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसकी एक क्लोन मैट्रिक्स बनाएंगे पोजिशन के हिसाब से, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री और क्या होगा यहाँ ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ये सब जानते हैं, ए थ्री वन ए थ्री टू और क्या हो जाएगा यहाँ ए थ्री थ्री हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखना को फैक्टर्स निकालेंगे ना, जैसे को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स का निकालते हैं को फैक्टर्स, पहले एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो कैपिटल ए ए वन वन लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, फार्मूला इसका क्या है माइनस वन टू द पावर आर प्लस सी और यहाँ लिखेंगे एम वन वन, इसका जनरल फॉर्मेट क्या बनता है ए आई जे, ए आई जे इक्वल टू क्या होगा माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे और यहाँ होता है एम आई जे, एम आई जे का होता है ये माइनर है, माइनर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट एम आई मतलब ए आई जे एथ मतलब आई एथ रो जे एथ कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर मैट्रिक्स का माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे कर देंगे, जो आएगा वही होगा। अब माइनस वन टू द पावर आर प्लस सी है या आई प्लस जे है, आर का मतलब नंबर ऑफ रो से है, जे सी का मतलब नंबर ऑफ कॉलम से है, अब इन दोनों नंबर को अगर मैं प्लस करूंगा तो या तो ऑड नंबर आएगा या तो क्या आएगा इवन नंबर, माइनस वन की पावर अगर इवन नंबर आया तो माइनस वन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस वन की पावर ऑड नंबर आया तो माइनस वन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो कुछ नहीं बस भाई माइनस में क्या करना है तुम्हें ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे पहले एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ क्या है आई वी वन है जे वी वन है तो माइनस वन की पावर क्या आ जाएगा वन प्लस वन पॉजिटिव हो जाएगा। अब M11 निकालने का तरीका वही है जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे ये लिखेंगे क्या क्या है तुम्हारा बताओ 1 है माइनस थ्री है माइनस वन है और क्या है ये 4 है तो ये क्या हो गया माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा ना ये अब यहाँ क्या आ जाएगा देखो ये आ जाएगा 4 या आ जाएगा माइनस के 3 सॉल्व करेंगे हाँ ये 1 आएगा ये 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा A12 के लिए A12 का मतलब माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा क्या हमारा M12 आ जाएगा। M12 निकालने का तरीका क्या है वही इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ेंगे क्या क्या बचा हमारे पास 0 2 माइनस 1 और 4 तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आएगा। अब ये हो गया 0 और यहाँ आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस 2। इसी तरह से A13 का निकालेंगे A13 का निकालेंगे तो क्या आएगा A13 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 और जो भी है। अब A13 का मतलब इसकी बात कर रहे हैं जिस रो जिस कॉलम में छोड़ो 0 2 1 और माइनस 3 0 2 और 1 क्या आ जाएगा माइनस के 3
सॉल्व करो, ये माइनस वन की पावर फोर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जीरो माइनस टू आएगा, माइनस वन की पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस वन का प्लस वन ही आएगा, यह माइनस का टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के टू, सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे, सारे एलिमेंट निकालोगे कि नहीं, बस हमारे मैट्रिक्स जैसा ही प्रोसीजर है बस ये। अब देखो तुम समझ में आ रहा है ना कि मैंने वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखा था, क्योंकि ऑल्टरनेट पे साइन इस तरह से आएंगे। अब इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना होगा तो हम तरीका क्या है हमारा, देखो इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा तो तरीका क्या है, मैट्रिक्स इसको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें क्या करेंगे, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इस रो के थ्रू अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे ए वन वन, इसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर मैट्रिक्स जो होगा लिख देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस का ए वन टू, इसके करेस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा लिख देंगे ए वन टू, फिर क्या लिखेंगे एलिमेंट हमारा ए वन थ्री, इसके करेस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा लिख देंगे, ये इसका होगा डिटर्मिनेंट। तो चू, हाँ चूँकि क्या है ए वन टू हमारा क्या आता है नेगेटिव आता है, क्योंकि माइनस वन की पावर आर प्लस सी जब हम करेंगे आई प्लस जे करेंगे तो वन प्लस टू माइनस, इसलिए जब हमने वहाँ डिटर्मिनेंट निकाला था तो क्या लिखा था वहाँ हमने, यहाँ पर ये देखो जब हमने डिटरमिनेंट निकाला था ना इसके पीछे वाले में कहीं लिखा, एक मिनट बहुत बड़ा हो गया था क्या, पहले पॉजिटिव लिखा फिर क्या लिखा, नहीं क्यों लिखा क्योंकि तो फैक्टर मैट्रिक्स है ना, समझ गई, इसलिए यहाँ जी है। अब कोई कह दे कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे तो वक्त दो, अगर कॉलम के थ्रू कोई एक्सपेंड करना चाहता है मान लो इसके थ्रू, तो इसके थ्रू जो करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर मिलेगा लिख देना, इसके थ्रू एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगी मैड ऑफ ए क्या आएगा जरा देखना, क्या है ए वन वन है ए वन वन प्लस एलिमेंट कौन सा हमारा है ए टू वन, इसके करेस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर मैट्रिक्स आएगा वो लिख देंगे, फिर प्लस ए थ्री वन और यहाँ करेस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर मैट्रिक्स आकर लिख देंगे, यहाँ से भी डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब कोई इसके थ्रू एक्सपेंड करना चाहता है तो डायगोनल के थ्रू भी जा सकता है, बस उसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर मैट्रिक्स लिख देना आ जाएगा, सब किसी से भी निकाल सकते हो मैं ये बता रहा हूँ, बाकी एक सिंगल रो से भी आप निकाल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ में बता रहा हूँ कितने तरीके से निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते, ठीक है, यहाँ कॉलम से भी कर सकते हो, इस रो से कर सकते हो, सेकेंड रो से कर सकते हो, थर्ड रो से किसी से भी कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। को फैक्टर, अब इन्हीं मैट्रिक्स को एक साथ लिख देंगे तो इससे आता है को फैक्टर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं उसको हम को फैक्टर मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स ए का किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या होगा, जो भी को फैक्टर्स आए उनको लिख देंगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री जो भी है ना ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री और क्या आएगा ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री, जो भी कोफैक्टर्स आएंगे हर एक एलिमेंट के सबको उसकी पोजीशन पर रख देंगे वो हो जाएगा कोफैक्टर है माइनस यहाँ कोफैक्टर, दिक्कत क्या बने, इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी हमने एक अलग वीडियो बना रखी है देखिएगा आ जाएगा, नहीं होगा तो हम बताए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से ना, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, सिस्टम ऑफ व्हाट लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब इसमें देखो जरा इक्वेशन के फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो सकते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा कितने भी इक्वेशंस दिए होंगे सब क्यों होंगे, एन इक्वेशंस दिए होंगे तब भी मैट्रिक्स से हो जाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें जो मोस्टली सॉल्व करने को मिलते हैं
तीन ही अननोन होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तीन इक्वेशन दिए। इक्वेशन का फॉर्मेट कितने तरीके से हो सकते हैं ये समझते हैं। पहला फॉर्मेट ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो A11 लिखा है, X लिखा है, A12 लिखा है, Y लिखा है, A13 लिखा है, Z लिखा है, इक्वल टू में 0 लिखा है। फिर जो भी है क्या लिखा है, मान लो A21 लिखा है, X लिखा है, A22 लिखा है, Y है, A23 लिखा है, यहाँ Z इक्वल टू में 0। मतलब ये एक्स वाई जेड के कोफिशियंट हैं, हमने कुछ नंबर लिख दिए हैं। ये क्या है, A31 है, X है, ये क्या है, A32 है, Y है, और ये क्या है, A33 Z है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। एक बार ये है कि सभी के RHS में क्या दिया है, 0। सेकंड टाइप का इक्वेशन ऐसे हो सकता है, बेटा तुम भी समझ लो, सेकंड टाइप का इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि इनके RHS में कुछ दिया हो, जैसे मान लो A11X, A12Y, A13Z इक्वल टू मान लो क्या दिया है, B1 टाइप का कुछ नंबर दिया होगा। फिर यहाँ दिया है A21X, A22 होगा हमारा, Y होगा, A23 होगा, यहाँ Z होगा, इक्वल टू में क्या दिया है, B2 दिया है, और क्या दिया है यहाँ, मान लो A31 दिया है, X, और क्या है, हाँ A32 होगा, Y होगा, A33Z होगा, इक्वल टू में क्या है, B3। एक इस तरह का इक्वेशन दिया सकता है कि RHS में कुछ नॉन जीरोस वैल्यूज भी होंगे, दो तरह के इक्वेशंस होंगे। ऐसे इक्वेशंस में ना दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इसमें एक होगा ट्राइवियल सॉल्यूशन, एक होगा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें होगा एक में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, एक होगा ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, इनकी क्या बनाएंगे, दोनों के केसेस में हमेशा क्या बनाएंगे, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है जरा देखिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब ए लिखेंगे, इनके जो कोफिशियंट है उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट दिए हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, दोनों में सेम हमने लिख दिए हैं तो अलग अलग पढ़ेंगे। क्या होगा, A11, A12, A13, मतलब एक्स वाई जेड के जो भी होंगे, पहला x होगा, दूसरा y का, तीसरा z का, ये पहले इक्वेशन का लिखा जाएगा। फिर सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन का लिखेंगे, क्या आएगा, A21, A22, A23, क्या आएगा, A31, A32, और क्या हो जाएगा, A3। फर्स्ट रो में x y z के सभी कोफिशियंट, सेकेंड रो में x y z के कोफिशियंट, थर्ड रो में मतलब फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट x y z के जो कोफिशियंट हैं, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशंस के x y z के जो कोफिशियंट हैं। पॉजिटिव साइन है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन है अगर कोफिशियंट का, तो नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा यहाँ, ये समझना। अब यहाँ से हम अब इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट भी निकाल। इस केस में देखो दो पॉसिबिलिटीज तुम्हारे यहाँ बनेंगी, यहाँ पहला क्या है, यहाँ से एक होगा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, एक होगा ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, या इसी को बोलेंगे क्या हम, जीरो सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, और क्या होगा, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, इसको याद रखना ये खास है। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब मॉड ऑफ ए, मतलब ए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है इस डिटरमिनेंट की, या मैग्नीट्यूड जो होगा जीरो आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, जीरो। नॉन ट्राइवियल का मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ना, जीरो से हटकर कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। ट्राइवियल या जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि जो मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स ए बनी है इसका मैग्नीट्यूड डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन, मतलब इस केस में एक्स वाई जेड की केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, अदरवाइज नहीं। अब इसमें कुछ हट गया, एक्स वाई जेड की कुछ अलग वैल्यू, क्योंकि ये कि जीरो हो सकती है, बाकी सबकी क्या होंगी, नॉन जीरोज वैल्यू आएंगे, या सबकी ही ऑलमोस्ट ऑल नॉन जीरोज वैल्यूज आएंगे, ये ध्यान रखना, नॉन ट्राइवियल। अगर ये हो गया तो हमेशा क्या आएगा, जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन। लेकिन जब इस तरह के कुछ कोफिशियंट दिए रहेंगे आगे, तो कोई फैक्टर मैट्रिक्स तो यही बनेगा, इसके लिए एक एक्स भी बनाएंगे, एक एक्स वेरिएबल के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे, कौन कौन सी वेरिएबल है हमारे लिए, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड होगा। एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, मान लीजिए कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए बी सिंबल हम लिख ले हैं, तो यहाँ लिखेंगे B1, B2, और क्या हो गया यहाँ, B3 हो गया। अब ये सारे इक्वेशन किस फॉर्म में हुए, इसको फैक्टर मैट्रिक्स को भाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें बी मिल रहा है, इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, AX = B टाइप का बन जाएगा। इक्वेशन जो बन जाएगा किस टाइप का हो जाएगा, AX * B। भाई सभी कोफिशियंट को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारी इक्वेशन मिलेंगे, उधर क्या है, कॉन्स्टेंट जो वैल्यूज आ रही है।
अगर हमें x चाहिए, x का मतलब ये चाहिए हमें, a को उधर भेजेंगे तो a अपॉन में जाएगा, a अपॉन में जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का इनवर्स हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, a इनवर्स b बनेगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स। अब x का a इनवर्स b जो बन रहा है यहाँ पर, इसमें इसमें भी कई पॉसिबिलिटीज बनती हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं यह समझना, एक एक करके देखो। पहला देखो क्या है, पहली कंडीशन क्या है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये समझो। फर्स्ट जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, यहाँ समझना। तो तीन है, तीन ध्यान रखना। पहला कि अगर मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है, मॉड ऑफ डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ऐसी मैट्रिक्स का क्या होगा, तब इसकी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे भैया, इसके यूनिक मतलब उस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब एक एक वैल्यूज आएंगी, एक्स की भी और वाई की भी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन इसका आएगा, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब इसकी कुछ न कुछ वैल्यू। एक ये हो सकता है कि ये मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो भी आ जाए भाई, मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया। इसके साथ साथ और भी देखना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो भी है ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है। मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्यों कह रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन मॉड ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाता है यहाँ, और यहाँ लिखा है ए इनवर्स इंटू बी, तो मॉड ऑफ ए तो एक नंबर आएगा। इसका मतलब बेसिकली हम किसका किसके साथ प्रोडक्ट लेंगे, ए के एडजॉइंट का बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे। फिर इसमें दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है लेकिन मॉड ऑफ ए तो जीरो है, तो इस केस में सिस्टम के क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम हैज व्हाट, नो सॉल्यूशन, नॉट डिफाइंड या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये सिचुएशन कौन सी है, नो सॉल्यूशन वाली। दूसरा है, इस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाता है सिस्टम हमारा, क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट। एक दूसरा सिचुएशन और क्या है इसमें, कि मॉड ऑफ ए डज इक्वल टू जीरो है एंड आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या हो गया, इक्वल टू में जीरो हो गया, ये भी इक्वल टू में जीरो हो गया। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम के पास बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। फाइनाइट व्हाट, मेनी सोल्यूशन। सोल्यूशन तो मिल ही रहा है ना, चाहे जितने भी मिले। अब इस केस में भी सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वाले ये वाले सॉल्यूशंस ये वाले हैं जब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, एक मिल रहा है या इनफाइनाइट मेनी। इनकंसिस्टेंट कब है, जब हमारा एक भी सॉल्यूशन, इसमें भी मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, इसमें भी मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, लेकिन इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू में, तब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। क्या समझ गए, ये सब चीजें क्या है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट हमें क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स में पढ़ना था, ये देकर यही है। बाकी इसको कैसे निकालना है सब प्रैक्टिस कर लिए, सब ध्यान रखना है, करना है, सब आ जाएंगे। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, फिर जो दिक्कत होगी उसको हम बता देंगे, ठीक है, डन, ओके, ठीक है फिर।